ये कहानी सन 1959 की है, जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था और गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। अंग्रेजों को गए 12 साल हो गए थे, लेकिन उनका असर अब भी पुरजोर था। मैंने एक मिशन प्लान किया, जो परमिशन एंड द फोर एजेंसी पर डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से सैनिक क्यों नहीं होता? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस इलाके में पाकिस्तान की एयरफोर्स काफी विजिलेंट है। अगर यह बेस पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आ गया, पाकिस्तान हमारे साथ नेगोशिएशन। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार अक्षय कुमार, जिनकी वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग मूवी स्काई फोर्स से आ रही है बड़ी अपडेट। वेल, कब होगी यह मूवी रिलीज और इस मूवी में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है? तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि स्काई फोर्स एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसको शानदार डायरेक्शन देंगे संदीप केवलानी। और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को मैकडॉक फिल्म और जियो स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सारा अली खान, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस निमृत कौर और शानदार एक्टर सुनील शेट्टी। और यह फिल्म हमें इसी साल देखने को मिलने वाली है, जिसे रिलीज कर दिया जाएगा 2 अक्टूबर को। लेकिन इस मूवी से पहले हमें अक्षय कुमार की और एक मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है सरफिरा। सो दोस्तों, अक्षय कुमार की इस मूवी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। इसी तरह मूवी से जुड़ी ढेर सारी अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।